साथियों नमस्कार, मैं आलोक सिंह आप सबका आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल उद्योग धंधा में स्वागत करता हूं। प्रथम भाग में आपको दो महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, जिसमें से नंबर एक है व्यवसायिक अवसरों की पहचान करना और वहीं पर दूसरी ओर बताया गया लाभकारी उद्योग सेवा व्यवसाय का चुनाव कैसे करें। आज द्वितीय भाग है, द्वितीय भाग में हम आपके वरिष्ठ फैकल्टी आदरणीय श्री बीपी सिंह द्वारा मांग पर आधारित उद्योग सेवा व्यवसाय की संपूर्ण जानकारी से आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए इस बिजनेस को आसानी से समझते हैं और सफल उद्यमी बनते हैं। संसाधन आधारित उद्योगों के अलावा मांग पर आधारित उद्योगों की भी संभावनाएं मध्य प्रदेश में उपलब्ध हैं, जिनमें कुछ रसायन उद्योग जैसे फिनाइल, मोमबत्ती, अगरबत्ती इत्यादि हो सकते हैं। कुछ प्लास्टिक से संबंधित उद्योग जैसे इंजेक्शन मोल्डिंग के विविध उत्पाद हो सकते हैं। एक्सट्रूजन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कुछ उत्पाद हो सकते हैं। थर्मोफार्मिंग उत्पाद आदि प्रमुख हो सकते हैं। कुछ उद्योग बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित भी मध्य प्रदेश में हो सकते हैं, जैसे राइजोबियम कल्चर का उत्पादन किया जा सकता है, फास्फोरस सॉलिबिलाइजिंग बैक्टीरिया कल्चर का उत्पादन हो सकता है, जिसको हम बाज़ार में PSB कल्चर के रूप में हम जानते हैं। इसी तरह से एजोटोबैक्टर, ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, बर्मी कंपोस्टिंग, टिश्यू कल्चर आदि बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रमुख उद्योग हो सकते हैं। मांग आधारित उद्योगों में नेचुरल गैस का उत्पादन प्रमुख हो सकता है, जिनमें इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन, लिक्विड नाइट्रोजन, एसीटिलीन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्पादन की मध्य प्रदेश में अच्छी संभावनाएं विद्यमान हैं। साथ ही मिनरल वाटर, हाइड्रोजेल एवं एंट्राइकंटेनॉल जैसे उत्पाद भी मध्य प्रदेश में बनाए जा सकते हैं, जिनकी बाजार में भारी मांग हो सकती है। आज की इस चर्चा में हम कुछ सेवा इकाइयों से संबंधित जानकारी भी आपके साथ चर्चा करेंगे, साथ ही ट्रेडिंग सेक्टर में भी मध्य प्रदेश में उपलब्ध संभावनाओं पर चर्चा की जा सकेगी। तो अब सबसे पहले शुरू करते हैं कृषि उत्पादों पर आधारित उद्योगों पर चर्चा। कृषि उत्पाद को हम तीन प्रमुख श्रेणी में विभाजित करते हैं, अनाज, दलहन और तिलहन के क्षेत्र में विभाजित करते हैं। हमारे पास जो अनाज है, मुख्य अनाज, वह मध्य प्रदेश में गेहूं है। गेहूं का उत्पादन बहुत अच्छा है और मध्य प्रदेश का जो गेहूं है पूरे भारतवर्ष में अच्छे गेहूं के रूप में, अच्छी गुणवत्ता के गेहूं के रूप में जाना जाता है। गेहूं से आप जानते ही हैं दलिया बनती है, आटा बनता है, मैदा, सूजी, बेकरी उत्पाद, फोर्टिफाइड आटा, मल्टीग्रेन आटा और एनर्जी फूड आदि का उत्पादन हो सकता है। इन सब से आप परिचित हैं। जो भी व्यक्ति इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उनको जरा अच्छा बाजार सर्वेक्षण कर लेना चाहिए, वो अच्छी मशीन का चुनाव कर लें, क्योंकि अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो उद्योग की सफलता संदिग्ध हो सकती है। इसलिए अच्छी टेक्नोलॉजी का चुनाव कर लें और इसके बाद क्या पूंजी निवेश कर सकते हैं और किस सरकारी योजना के माध्यम से वे आगे बढ़ सकते हैं, इसमें ध्यान देते हुए आगे कदम बढ़ाया जा सकता है। मध्य प्रदेश में कृषि उपज में अनाज के क्षेत्र में धान का उत्पादन भी काफ़ी होता है, जिससे विभिन्न प्रकार की राइस मिलों के माध्यम से चावल का निर्माण, ब्राउन राइस आदि का निर्माण और विभिन्न प्रकार के रेडी मिक्स जैसे इडली मिक्स, दोसा मिक्स, खमंड मिक्स, ढोकला मिक्स आदि का निर्माण भी काफ़ी लाभकारी हो सकता है। करीब 14 तरह के मिक्स बनाए जा सकते हैं। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर ने इसकी टेक्नोलॉजी ईजाद की है और उद्यमियों के लिए यह टेक्नोलॉजी उपलब्ध है।
इन टेक्नोलॉजी पे आधारित जो उद्योग होंगे वह काफ़ी लाभकारी हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप गेहूं से आटा बनाते हैं तो उस स्थिति में आप 2-4 रुपए किलो का मुनाफा कर सकते हैं, लेकिन अगर तकनीक पर आधारित आप इकाई लगाते हैं तो उसमें आपको भारी मुनाफा हो सकता है। रेडी मिक्स जैसे इडली मिक्स, डोसा मिक्स बनाने के लिए 2 प्रमुख चीज़ें इसमें लगती हैं। चावल की किनकी लगती है जो लगभग 14 रुपए किलो की दर से बाज़ार में मिलती है, और इसके साथ ही उड़द दाल की टूटन लगती है जो बाज़ार में 18-20 रुपए किलो के दर से मिलती है। कुछ मात्रा में ईस्ट मिलाया जाता है, खमीर मिलाया जाता है। इन्हें बाज़ार में जब पैकेट में पैक करके उपलब्ध कराया जाता है तो यह बाज़ार में 120 रुपए प्रति किलो की दर से बिकता है। इस तरह की इकाई में काफ़ी मुनाफा है। जहां पर आप आटा पीसकर 2-4 रुपए प्रति किलो का मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन यदि आप टेक्नोलॉजी बेस्ड इकाई स्थापित करते हैं तो आपको भारी मुनाफा मिल सकता है। साथ ही धान पर आधारित पोहा निर्माण की इकाई हो सकती है, मुरमुरा या पफ्ड राइस निर्माण की इकाई भी हो सकती है। धान के छिलकों से जलाऊ लकड़ी के विकल्प के रूप में ब्रिकेट्स का निर्माण भी किया जा सकता है। राइस ब्रान यानी धान का जो कना जिसको कहते हैं, उससे खाद्य तेल का निर्माण भी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के विभिन्न अनाजों में मक्का का भी एक प्रमुख स्थान है। मक्के से बहुत सारे उत्पाद बन सकते हैं। मक्के से पोहा बनता है, मक्के से पॉपकॉर्न का निर्माण भी हो सकता है, इससे कॉर्नफ्लेक्स बनता है। मक्के के पोहे को आप रोस्टेड कर दीजिए, यह कॉर्नफ्लेक्स के रूप में नाश्ते के लिए प्रयोग किया जाता है और बाज़ार में अच्छी कीमत में बिकता है। मक्के से स्टार्च भी बनाया जाता है। इस प्रकार और भी कई प्रकार के मोटे अनाज हैं, जैसे कोदो, कुटकी, सावा, रागी, ज्वार, बाजरा आदि। इन मोटे अनाजों की मांग भी अब बाज़ार में बढ़ती जा रही है। इनमें पोषकता काफ़ी अच्छी है, इसलिए इसकी भी प्रोसेसिंग होती है। इसकी मांग स्थानीय बाज़ार से लेकर 5-स्टार होटलों तथा विदेशों तक रहती है। मानव जीवन में इसकी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा कई तरह के दलहन का उत्पादन भी हमारे प्रदेश में होता है, जैसे अरहर, मसूर, तुअर, मूंग, चना आदि मध्य प्रदेश में उत्पादित हो रहे हैं। दलहन आधारित छोटे से बड़े आकार की दाल मिल लगाई जा सकती है। यदि आपके पास 50,000 रुपये की एक छोटी पूंजी है तो छोटी दाल मिल लगाई जा सकती है। कार्यशील पूंजी के लिए अलग पैसा होना चाहिए, इसका बड़ा रूप भी हो सकता है। मध्य प्रदेश में प्राप्त विभिन्न दालों से नमकीन, भुजिया, पापड़, बेसन, बड़ी आदि का निर्माण भी हो सकता है। मध्य प्रदेश सोया स्टेट के रूप में जाना जाता है। पूरे देश का 80% के लगभग सोयाबीन मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है। सोयाबीन से सोया मिल्क बन सकता है, सोया पनीर बन सकता है, सोया कर्ड यानी सोया दही बन सकता है, सोया से फ्लेवर्ड मिल्क बन सकता है, सोया नट्स यानी उसको भून दीजिए तो सोया नट्स के रूप में उसका बाज़ार में अच्छी मांग हो सकती है, सोया बड़ी बन सकती है, सोया आटा बन सकता है, सोया फ्लेक्स बन सकता है, सोया सॉस का भी निर्माण किया जा सकता है। इन सारे उत्पाद से आप वाकिफ हैं और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट से खाद्य तेल का निर्माण भी होता है। इसकी DOC यानी सोया खली या डी ऑयल्ड केक
कैटल और पोल्ट्री फीड में बहुत उपयोग किया जाता है। सोयाबीन पर आधारित इकाई लगाना है या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना है तो सौभाग्य की बात है कि पूरे भारत में सोया प्रसंस्करण केंद्र मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान CIAE, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय का एक उत्कृष्ट संस्थान है जिसके पास सोया के विभिन्न उत्पादों के निर्माण की टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। यह टेक्नोलॉजी सरल भी है, मशीनों को भी ईजाद किया गया है। इस पर ट्रेनिंग प्रोग्राम CIAE, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग और अन्य संस्थानों के द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता है। सोयाबीन से कई तरह के उत्पाद बनाए जा सकते हैं और इससे अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। इसके अलावा कृषि उत्पादन से जुड़ा हुआ जो स्वरोजगार का एक और अवसर है वह है हमारे सामने तिलहन का। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली तमाम तिलहनी फसलें जैसे मूंगफली, तिल, अलसी, सरसों, सोयाबीन आदि प्रमुख हैं। इनमें कई तरह के प्रोडक्ट तैयार किए जा सकते हैं। इसके अलावा नीम, करंज, महुआ भी मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कुछ खाद्य तिलहन वाली फसलें हैं और कुछ अखाद्य तिलहन वाली फसलें हैं। जैसे नीम, करंज और महुआ आदि अखाद्य तिलहन वाली फसलें मानी जाती हैं। मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन तो बहुत है, लेकिन इनके परंपरागत उत्पादन के साथ यदि हम आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करें तो न केवल हम खेती को लाभदायक बना सकते हैं बल्कि बाजार की प्रतिस्पर्धा में भी हम टिके रह सकते हैं। ऑयल मिल ज़्यादातर तिलहनों की पिराई के लिए प्रयुक्त की जाती है, लेकिन यदि मॉडर्न ऑयल मिल लगाई जाए जो ठंडी अवस्था में तिलहन की पिराई कर सकता है तो उससे तेल की गुणवत्ता अच्छी होगी। यानी सरसों की पिराई यदि ठंडी विधि से की जाए तो तेल की गुणवत्ता ज़्यादा अच्छी होगी। उसमें जो एरोमा है, जो उसमें सुगंध है, झार है, वो सुरक्षित रहेगी और तेल की गुणवत्ता अच्छी होने के कारण बाजार में उसका अच्छा मूल्य मिल सकता है। इसलिए यदि आप ट्रेडिशनल यूनिट का भी चुनाव करते हैं तो उसमें लेटेस्ट और एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का यदि आप प्रयोग करेंगे तो सफलता ज़्यादा संभावित है। जितनी तिलहनी फसलें हैं उनसे जब पिराई करते हैं तो उससे डी ऑयल्ड केक यानी DOC मिलता है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में खली कहते हैं। इसका ज़्यादातर उपयोग कैटल फीड और पोल्ट्री फीड के निर्माण में होता है। फिश फार्मिंग यानी मछली पालन के क्षेत्र में भी इसकी काफ़ी मांग होती है। इसके अलावा जो नॉन इडेबल ऑयल हैं, अखाद्य तेल हैं, उनका इस्तेमाल हम कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री और अन्य सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियों के निर्माण में करते रहे हैं। मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां नीम का भी अच्छा उत्पादन होता है और नीम की प्रोसेसिंग हो सकती है और नीम से गिरी, नीम से तेल बनाया जा सकता है। नीम का बॉटनिकल नेम अजाडिरेक्टा इंडिका है और जो एक्टिव इंग्रेडिएंट नीम में पाया जाता है वह है अजाडिरेक्टिन। मात्र 40 ग्राम अजाडिरेक्टिन एक हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ भूमि में कीट व्याधि को नष्ट करने में बहुत ही सफल है। इसलिए अजाडिरेक्टिन की मांग बहुत बढ़ती जा रही है। अजाडिरेक्टिन के उत्पादन हेतु इकाई स्थापित की जा सकती है। आजकल पूरे देश में नीम कोटेड यूरिया का प्रचलन है। जो यूरिया हम खेत में डालते थे वह पानी में घुलकर इतनी गहराई में चली जाती थी कि पौधों की जड़ों को वह उपलब्ध नहीं हो पाता था।
नीम की कोटिंग करने से यूरिया के घुलने की प्रक्रिया धीमी हुई है, जिससे पौधों को ज़्यादा नाइट्रोजन उपलब्ध हो पा रहा है। इसलिए सरकार इसके उपयोग का भरपूर प्रचार प्रसार कर रही है। पूरा नीम कोटेड यूरिया ही सरकार के माध्यम से किसानों को उपलब्ध हो पा रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि नीम ऑयल का उद्योग यदि शुरू किया जाए तो बहुत ही लाभकारी हो सकता है। जहाँ तक उद्यानिकी फसलों का सवाल है, उद्यानिकी फसलें निश्चित रूप से 5 प्रकार की हैं। फल एक संसाधन के रूप में है जिसके आधार पे इकाइयां स्थापित की जा सकती हैं। दूसरा संसाधन सब्जी है। मसाला फसलों के आधार पे भी कुछ इकाइयां स्थापित की जा सकती हैं। फूल के आधार पे भी, फूलों का उत्पादन भी काफ़ी होता है, इसके आधार पे भी इकाई स्थापित की जा सकती है। और साथ ही औषधीय और सुगंधित फसलों के आधार पे भी इकाई स्थापना की एक अच्छी संभावना हम देख रहे हैं। तो आइए हम सबसे पहले फल के ऊपर आधारित विभिन्न तरह के उद्योगों की चर्चा आपसे करना चाहेंगे। मध्य प्रदेश में जो फल हैं उनमें प्रमुख है आम, अमरूद, पपीता, केला, नींबू, लेमन, सीताफल, बेल, बेर एवं आंवला। इनकी विभिन्न तरह से प्रोसेसिंग करके विभिन्न तरह के उत्पाद बनाए जा सकते हैं, जो घरों में उपयोग कर सकते हैं और इन पर आधारित लाभकारी व्यवसाय भी शुरू किया जा सकता है। इनमें सबसे लाभदायक है फ्रूट राइपनिंग चैम्बर। फ्रूट राइपनिंग चैम्बर एक ऐसा चैम्बर है जिसमें फल को अच्छी तरह से वैज्ञानिक तरीके से पकाया जाता है। आजकल जो केमिकल्स से या कैल्शियम कार्बाइड से जो फल पकाए जाते हैं उन्हें सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है, परंतु चोरी छिपे अभी भी केमिकल से फल पकाकर बाजार में बेचे जा रहे हैं, जो कि हानिकारक हैं। इसलिए फ्रूट राइपनिंग चैम्बर की मांग दिनों ब दिन बढ़ती जा रही है। ये भी एक प्रॉफिटेबल उद्योग हो सकता है। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज का निर्माण एक अच्छा उद्यम हो सकता है। मध्य प्रदेश में मिलने वाले विभिन्न प्रकार के फल जैसे आम से अमावट बनाया जा सकता है, अमचूर बनाया जा सकता है, कच्चे एवं पके आम से विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ या ड्रिंक जैसे शरबत, स्क्वास, फ्रूट बार, जैम, जेली, अचार, मार्मलेड आदि का निर्माण किया जा सकता है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में उपलब्ध अमरूद या बिही से फ्रूट बार, फ्रूट टॉफी, शरबत, फ्रूट जूस, डिब्बा बंद फ्रूट पल्प आदि का निर्माण भी किया जा सकता है। इसके अलावा जामुन एवं गन्ने से सिरका का उत्पादन भी किया जा सकता है। आंवले से भी कई प्रकार के उत्पादों का निर्माण किया जा सकता है, जैसे आंवला कैंडी हो सकती है, आंवला चूर्ण हो सकता है, आंवला जूस, आंवला मुरब्बा, आंवला मिठाई, आंवला अचार और आंवले के इसी प्रकार के कई उत्पाद बनाए और बाजार में बेचे जा सकते हैं। इनके अलावा मध्य प्रदेश में उपलब्ध पपीते से टूटी फ्रूटी एवं पपेन का उत्पादन भी अच्छा उद्यमीय अवसर हो सकता है। मध्य प्रदेश में कई प्रकार की सब्जियां उत्पादित हो रही हैं, जिसमें प्रमुख रूप से करेला, फूलगोभी, पत्ता गोभी, मटर, पालक, मेथी, कुम्हड़ा, बैगन, आलू, टमाटर, कटहल, भिंडी, सहजन, मशरूम आदि प्रमुख हैं। मध्य प्रदेश में उपलब्ध प्रमुख सब्जियों में से कुछ सब्जियों को सुखाकर उनको बाजार में बेचा जा सकता है। इसके अलावा टमाटर से विभिन्न उत्पाद जैसे टोमेटो सॉस, टोमेटो प्यूरी, टोमेटो पेस्ट, टोमेटो पाउडर और टोमेटो केचप का उत्पादन किया जा सकता है। टमाटर से विटामिन सी का उत्पादन भी किया जा सकता है। ठीक इसी तरह
आलू से आलू चिप्स और वेफर्स आदि का उत्पादन और विक्रय कर एक अच्छा लाभकारी उद्यम शुरू किया जा सकता है। मटर की उपलब्धता भी मध्य प्रदेश में काफ़ी है। मटर से जो उद्यमीय अवसर हम देख रहे हैं उसमें बॉटल्ड मटर हो सकती है, फ्रोजन मटर हो सकती है, सूखी हरी मटर के रूप में मूल्य संवर्धन मटर का किया जा सकता है। करेला और भिंडू को स्लाइस करके उसको 2 मिनट उबलते हुए पानी में डालकर, जिसको हम ब्लांचिंग कहते हैं, और उसके बाद उसको सुखा लेते हैं। यह सूखा करेला और भिंडी पैकेट में पैक होकर विदेशों में निर्यात के लिए काफ़ी इसकी अच्छी मांग हो सकती है। सब्जियों के पाउडर और इंस्टेंट सूप के रूप में सब्जियों का मूल्य संवर्धन भी बड़ी अच्छी से किया जा सकता है। मुनगा से भी उसकी पत्तियों का पाउडर, टैबलेट और मुनगा फली का भी मूल्य संवर्धन किया जा सकता है। उद्यानिकी फसलों में मसाला फसलों का भी प्रमुख स्थान है। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली मसाला फसलों में प्याज, लहसुन, मिर्च, धनिया, हल्दी, अदरक आदि प्रमुख हैं। प्याज का भंडारण अपने आप में अत्यंत लाभकारी कार्य हो सकता है। प्याज जब खेत से उत्पादित होती है तो उसका मूल्य लगभग 9-10 रुपए किलो होता है, जबकि बारिश के समय इसका मूल्य 3-4 गुना तक आमूमन बढ़ जाया करता है। यदि उद्यमी वैज्ञानिक तरीके से प्याज का भंडारण करे तो यह एक अत्यंत लाभकारी उद्यम हो सकता है। इसी प्रकार लहसुन जब किसान के खेत पर उत्पादित होता है तो प्रतिवर्ष इसका मूल्य लगभग 20 रुपये प्रति किलो हो जाता है, जबकि वर्ष के दौरान इसका मूल्य एक बार लगभग 200 रुपये प्रति किलो तक भी पहुंच जाता है। तो लहसुन का भी वैज्ञानिक तरीके से भंडारण एक लाभकारी उद्यम हो सकता है। इसके अलावा प्याज से ओनियन फ्लेक्स पेस्ट पाउडर का निर्माण भी किया जा सकता है, साथ ही लहसुन से भी पाउडर और पेस्ट बनाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के मसालों पर आधारित मसाला निर्माण की इकाई भी स्थापित की जा सकती है, जिसमें मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर एवं मिश्रित मसालों की इकाई प्रारंभ की जा सकती है। हल्दी की पत्तियों से भी तेल का निष्कासन किया जा सकता है, जो कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छी उसकी मांग है। मध्य प्रदेश में विभिन्न प्रकार के फूल भी उत्पादित किए जाते हैं, जिसमें गुलाब, मोगरा, रजनीगंधा, गेंदा, ग्लैडियोलस, चंपा और चमेली आदि प्रमुख हैं। इन पर आधारित सगंध तेल एवं इत्र निर्माण की इकाई स्थापित की जा सकती है। गुलाब की खेती कर इससे गुलाब की पंखुड़ियों से तेल उत्पादन, गुलाब जल का उत्पादन एवं गुलकंद का उत्पादन एक अत्यंत लाभकारी उद्यम हो सकता है। वनों से प्राप्त पलाश के फूलों से खाद्य रंग बनाने की इकाई भी स्थापित की जा सकती है। साथ ही कट फ्लावर्स की भी बाजार में काफ़ी अच्छी मांग है, साथ ही सूखे फूलों से भी कलात्मक वस्तुओं का निर्माण लाभदायक व्यवसाय हो सकता है। मध्य प्रदेश में कई प्रकार के औषधीय और सगंध पौधों की खेती की जाती है, जिसमें अश्वगंधा, सर्पगंधा, तुलसी, शतावरी, सफ़ेद मूसली, बच, ब्राह्मी एवं मंडूककरणी आदि प्रमुख हैं। सगंधीय फसलों में लेमन ग्रास, पामारोज़ा और मिंट की खेती प्रमुख है। इनके मूल्य संवर्धन की भी अपार संभावनाएं मौजूद हैं। औषधीय फसलों के प्राथमिक प्रसंस्करण से लेकर आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण तक की संभावनाएं मध्य प्रदेश में भरपूर हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के चूर्ण, कैप्सूल, टैबलेट
आसव, अरिष्ट आदि बनाए जा सकते हैं। इसी प्रकार से औषधीय एवं सुगंधीय फसलों पर आधारित सौंदर्य प्रसाधन का निर्माण भी किया जा सकता है। सुगंध फसलों से उनके तेल का निर्माण भी अत्यंत लाभदायी व्यवसाय हो सकता है। नीम तेल, नीम बेस्ड पेस्टिसाइड, खेती के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का उत्पादन किया जा सकता है। साथ ही नीम आधारित मच्छर भगाने की अगरबत्ती और क्वाइल का उत्पादन भी एक लाभकारी उद्यम हो सकता है। हमने आज कृषि आधारित उद्योगों जैसे अनाज, दलहन एवं तिलहन के मूल्य संवर्धन पर आपके साथ चर्चा की है। साथ ही उद्यानिकी आधारित क्षेत्र में फल प्रसंस्करण, सब्जियों के प्रसंस्करण, मसाला फसलों के प्रसंस्करण, फूलों के प्रसंस्करण और औषधीय एवं सुगंधित फसलों के प्रसंस्करण पर जानकारी देने का प्रयास किया गया है। आशा करता हूँ कि आज जो जानकारी आपको दी गई है वह आपको अच्छी लगी होगी एवं उद्यम चयन में इन जानकारियों का आप उपयोग कर सकेंगे। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आज की जानकारी जो आपको बताई गई है वो बड़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो दिल खोल के लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों तक भी पहुँचाएँ।